सब अच्छा मतलब मस्त चल रहा है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी लास्ट घर में हुई थी है? इधर और इट्स लाइक कुआ है और खाई है। रोल Christmas memories. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to another video of Vlogmas 2022. आज के वीडियो में मैं चैन से बैठ के ये मेकअप लुक करने वाली हूँ. इट्स अ सुपर ग्लैम वेरी वेडिंग एंड शादी अप्रोप्रिएट मेकअप लुक एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट यू ऑल हैव फॉर मी अबाउट माई पर्सनल लाइफ. इवन दो आई शेयर सो मच इन व्लॉग्स, यू ऑल स्टिल हैव सो मेनी क्वेश्चन फॉर मी. इट्स अ सुपर पर्सनल क्यू एंड ए. इट इज द फर्स्ट टाइम यू कम ऑन टू माई चैनल, देन हाई, आई एम सारा. आई मेक ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल वीडियोज हियर ऑन यूट्यूब. टेक अ मोमेंट, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, join the Sara squad. I'm sure you love it here, and also don't forget to hit the bell icon right next to it so that every time I upload a video you get notified. And with that, we can dive straight into this. Okay, we know the drill. I'm going to read my questions, do my makeup. So the first question is, where is Ishu and Sabrina D going? They are gone to UK. That's where my Jiju's transfer has happened, so both of them are now in UK, far far away from us. Ishu probably doesn't even understand where they are, but yeah, he understands ke wo log abhi dur chale gaye. I'm going to do something that's more long wearing taki aap log ko ye wedding ke liye again bahut recommendations mil jayegi wedding season ke liye. So I'm first using the Clinique's Even Better Fresh Foundation, one pump of this. Ye mera shade hai isme WN94 deep neutral, and this is actually a really good shade match for me. Aur uske sath I'm mixing the Fenty Beauty 370 वॉर्म. अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड शेड मैच. ये थोड़ा मैट है. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग मी, आपने मेकअप रिकमेंडेशन देना बंद कर दिया एंड माई लॉन्ग फॉर्म वीडियोज हैव यू नो स्टॉप्ड, माई लॉन्ग फॉर्म मेकअप वीडियोज हैव स्टॉप्ड. दैट इज बिकॉज इट डजेंट वर्क दैट मच एनी मोर गाइज. लाइक इफ आई जस्ट डू मेकअप रिकमेंडेशन, इवन लास्ट ईयर जब मैंने अपना एंड ऑफ द ईयर मेकअप रिकमेंडेशन वीडियो किया था, बेली एनी व्यूज वर गार्नर्ड. एंड इन द लॉन्ग रन आई हैव टू सी कि मेरी ऑडियंस क्या इन्जॉय कर रही है, क्या ज़्यादा देख रही है, एंड डू मोर ऑफ दैट. एंड आई थिंक इन द पास्ट ईयर सबसे ज़्यादा व्यूज, वॉच टाइम, लव हैज़ कम फॉर माई व्लॉग्स, एंड दैट्स द रीज़न वाई आई वर्क सो मच टूवर्ड्स माई व्लॉग्स. आई गिव यू ऑल मोर कंसिस्टेंट व्लॉग्स. आई व्लॉग ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे एंड you know, club all of that together and make videos for y'all. Also, another thing is that videos on beauty work better for me in shorts. तो मैं shorts में आपको जितना हो सके recommendations देती हूँ, नई चीज़ें try करती हूँ, reviews करती हूँ, and makeup looks भी, makeup removal भी, skin care, everything of makeup and beauty, I have now shifted more towards short form, but I do still love doing this. Like, I love doing my makeup, chatting with you all of that. Lot of people have asked me how's the new experience in the new house. So taking that question, I would say it's nice. The work energy is really good. Starting me to adjust into this house was very difficult. I would say for a good 2 weeks, 3 weeks, I was having a crying session every day. Like almost every day, something would throw me off balance or मैं रो पड़ती थी. मतलब literally मुझसे नहीं हो रहा था. And the amount of times मैंने अपने like लोगों को बोला होगा कि मुझसे नहीं हो रहा है. लाइक आई हैव टोल्ड पूजा, आई हैव टोल्ड साक्षी, आई हैव टोल्ड मम्मा कि अब मुझसे बस नहीं हो रहा है, बिकॉज इट बिकेम टू मच ऑल एट वंस. ऑलरेडी घर शिफ्ट करना था, बहुत सारा कंटेंट का काम था बिकॉज इट वाज हैवी सीजन पीरियड. इम्पल्स का काम तो रहता ही है, साथ ही साथ सब कुछ अपना मूव करो, लाइक योर लाइफ एज वेल एज योर ऑफिस, एंड गेटिंग अ हाउस हेल्प, ट्रेनिंग दैट हाउस हेल्प, एंड एट द सेम टाइम गेटिंग लाइक यूज टू नॉट ईटिंग ओवर योर, एट द एंड ऑफ लॉन्ग डेज गोइंग बैक टू दैट हाउस टू जस्ट गेट माई फूड सॉर्टेड एंड यू नो ऑल ऑफ दैट आई एम नॉट यूज टू येट. एंड आई गेट वेरी टायर्ड एट द एंड ऑफ माई वर्क डे. सो दैट कन्वीनियंस दैट आई हैड ऑफ ऊपर नीचे इज फुल्ली गॉन. तो बहुत जल्दी बहुत सारे चेंजेस हो गए. तो उसके बाद अगर कुछ भी मेरी लाइफ में सही नहीं हो रहा था ना, अगर कुछ भी ऑफ बैलेंस जाता था, आई यूज टू लिटरली ब्रेक डाउन एंड स्टार्ट क्राइंग. एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एट फर्स्ट, बट स्लोली आई हैव अडेप्टेड. एवरीथिंग डजेंट हैपन लाइक ओवर नाइट. आई कुडंट एक्सपेक्ट दिस ट्रांजिशन टू जस्ट हैपन ओवर नाइट. स्लोली एंड स्टेडली आई सॉर्ट ऑफ अडेप्टेड एंड नाउ आई फील लाइक नाउ आई एम इन अ रिदम. नाउ आई नो कि आई फिनिश माई वर्क बाई 8:30, 9 o'clock, एंड देन आई गो फॉर डिनर ओवर देम. आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट मोर फाउंडेशन फॉर माई नेक बिकॉज मेरी नेक कवर नहीं हुई है अभी उतने फाउंडेशन में. एंड या आई थिंक विद द राइट सपोर्ट सिस्टम एंड विद द राइट टाइम यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम टू बी एबल टू अडेप्ट टू ऑल दीज चेंजेस. आई कुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड कि ओवर नाइट मैं एक नई जगह पर नया सामान लेके आओ और अपना काम, बिजनेस, अपना लाइफ, पर्सनल लाइफ, एवरीथिंग इमीडिएटली अडेप्ट हो जाएगी. इट इज लाइक ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन नेचर, एंड रिमूविंग मी आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन एंड पुटिंग मी इन अ न्यू सेटिंग वॉज गोइंग टू बी चैलेंजिंग. आई ऑलवेज न्यू इट,
बट टू फेस इट फर्स्ट हैंड वॉज डिफिकल्ट. आई लेट माई सेल्फ क्राई, यू नो, जब भी मुझे ऐसा बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है या बहुत रोना आता है या बहुत मतलब मैं वीक हो जाती हूँ, तो आई लेट माई सेल्फ क्राई. आई डू सीक आउट हेल्प. आई एक्टिवली टेल माई फैमिली एंड फ्रेंड्स वेन आई कॉन्ट डू इट एनी मोर. आई डोंट पुश माई सेल्फ बियॉन्ड माई बाउंड्रीज. आई एम नॉट अ रोबोट. आई डू नॉट स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम. यू ऑल जस्ट डोंट सी द नेगेटिव साइड. ऑफ कोर्स इफ आई एम क्राइंग आई एम नॉट गोना लिफ्ट माई कैमरा एंड व्लॉग इट. समटाइम्स वेन नेचुरली मेरे आंसू आ जाते, जैसे घर शिफ्ट हुआ था, सबरीना चली गई थी, और नेचुरली जैसे कैमराज रोलिंग एंड माई टीयर्स कम, दैट प्रॉब्ली मेक्स इट टू व्लॉग्स. बट अदर देन दैट वेन आई एम हैविंग लाइक अ मेंटल ब्रेक डाउन, नो बडी इज लिफ्टिंग द कैमरा एंड कैप्चरिंग इट. यू नो, इट्स वी आर ऑल इन इट टू फील बेटर, मेक मी फील बेटर एंड जस्ट रिकवर फ्रॉम दैट मोमेंट. सो या आई एम नॉट पॉजिटिव ऑल द टाइम. आई जस्ट ट्राई टू शो यू ऑल द बेस्ट साइड ऑफ माई लाइफ और द पोर्शन वेर आई एम कोपिंग, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू कम ऑन द इंटरनेट. आई फील लाइक देखो जितना रियल मैं रह सकती हूँ मैं रहती हूँ, बट उससे ज्यादा मुझे ये भी समझने की जरूरत है, और मैं समझती भी हूँ कि मेरे लिए आप लोग टीवी देखते हो या मूवी देखते हो या कुछ भी देखते हो ऐसे एंटरटेनमेंट के, जैसे मेरे वीडियोस देखते हो, और 30 मिनट आपकी लाइफ में से निकाल के मेरे वीडियोस देख रहे हो, उसमें आई डोंट वॉन्ट यू ऑल टू सिट एंड लिसन टू माई सैड स्टोरी, सॉब स्टोरी और क्राई विथ मी ऑल द टाइम. यू नो, आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, गेट द पॉजिटिव दिस. दैट्स वाई आई ऑल्सो ट्राई टू ओनली शेयर द एंटरटेनिंग पार्ट्स, द हैप्पी पार्ट्स विथ माई ऑडियंस, दैट तुम लोग देखो वो 30 मिनट तो तुम लोग को भी खुशी मिले. ऐसा ना हो कि मेरे वीडियोस देख के आप लोग और दुखी हो रहे हो, वैसे भी आपका दिन बुरा जा रहा होगा या आपके दिन में कुछ तकलीफ थी, एंड देन यू वॉच माय वीडियो एंड यू फेल्ट इवन मोर सैड. दैट्स द वर्स्ट बीटी आई वुड वांट टू गिव एनी ऑफ माय ऑडियंस, व्हिच इज व्हाई आई डोंट लेट द सैड पोर्शंस लेट इट मेक टू द व्लॉग वेरी ऑफन, अनलेस इट्स लाइक अ रियली लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी, लाइक माय फ्रेंड्स वर लीविंग और माय सिस्टर्स लीविंग. ऑल ऑफ दोज आर इमोशनल मोमेंट्स दैट आई वांट यू ऑल टू बी अ पार्ट ऑफ. हाउ डू यू कन्विंस योर सेल्फ टू स्पेंड सो मच ऑन थिंग्स, इवन आई एम अर्निंग एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. आई टोटली अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैं कमाने लगी थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कितना पैसा इज ओके फॉर मी टू स्पेंड, कितने खर्चे में कर सकती हूँ, कितनी सेविंग्स करनी चाहिए आइडियली. एंड इवन टुडे आई वुड से देयर इज नो लाइक डेफिनेट अमाउंट, बट धीरे धीरे विथ टाइम यू लाइक स्टार्ट स्पेंडिंग. ऑल ऑफ अस, मेरे सारे फ्रेंड्स भी, हम लोग सब साथ में कमाने लगे थे, तो हम सबको स्टार्टिंग में नहीं समझता था कि सडनली चीज़ें एक तो बहुत महंगी भी हो गई, और मम्मी पापा के खर्चे से जब खुद के खर्चे पे शिफ्ट हो रहे हो, देन यू रियलाइज कितना लाइफ महंगा है एंड हाउ डिड दे मैनेज, बिकॉज दे यूज टू डू देयर ओन एक्सपेंसेस, घर के खर्चे एंड हमारे खर्चे, और नाउ वी आर ओनली डूइंग अपने खर्चे और इतना भारी पड़ रहा है. सो ऑफकोर्स द ट्रांजिशन इज डिफिकल्ट, बिकॉज यू डोंट नो हाउ मच इज ओके फॉर यू टू स्पेंड, बट then again you also have to tell yourself things like you're earning for a lifestyle, you need to spend on, if I want to go to a restaurant, पहले आई कुड नॉट लाइक जस्ट गेट अप एंड गो टू ऑल ऑफ दिस फैंसी रेस्टोरेंट्स, जो मैं अभी इतना हाल ही में फ्रीक्वेंटली चली जाती हूँ, अभी तो मैं लोगों को भी लेके जाती हूँ, एंड आई यू नो आई गिव ट्रीट सो ऑफन बिकॉज आई लव गोइंग आउट एंड डाइनिंग, आई लव अ डाइनिंग एक्सपीरियंस. मुझे पहले से बहुत शौक था लाइक बाहर जाके रेस्टोरेंट्स में खाना एंड वीकेंड्स पे जाना एंड ऑल दैट, बट आई वुड नेवर गो इन कॉलेज. लाइक इन कॉलेज इन 11th एंड 12th आई यूज़ टू गो टू दिस क्लासेस साइंस के लिए, एंड देयर really like the group I used to chill with was really bougie, and their parents were well to do, so they used to go to these cafes, restaurants quite often, and wo log easily ja pate the, but meri pocket money mein wo purta hi nahi tha, matlab main kabhi bhi ek restaurant bhi nahi ja pati thi, because I could not have allowed myself to go there and do all my other kharchas, because meri pocket money fixed thi aur usme mujhe travel, regular food, ya aisa frankie sandwich, pani puri kha liya, to that to I had to of course cover, and that much I used to allow myself, but no fancy restaurants, no cafes used to get covered. Agar family ke sath gaye to alag baat hai, but friends ke sath alag se jaane, I would either have to exhaust my pocket money ya fir mummy ke sath jhagde karke aur thoda paisa nikalna padta tha yahan wahan se, which used to not be, mummy ke budget mein bhi wo fit nahi hota tha, aur wo monthly kharche mein mummy अकाउंट नहीं किया था. सो इट वॉज लिटरली लाइक दोज पीरियड्स ऑफ टाइम व्हेन आई वाज इन 11th एंड 12th, आई हैव सीन दैट, यू नो. फ्रॉम दैट आई वुड से टुडे फॉर मी लग्जरी इज जस्ट टू गेट अप एंड गो टू अ डाइनिंग बाय माई सेल्फ एंड गिव माई सेल्फ दैट लाइफ स्टाइल. सो दैट इज वेयर आई वॉन्ट टू स्पेंड माई मनी. दैट इज वेयर आई वॉज लाइक कुछ भी हो जाए मुझे ये तो करना है. मुझे रेस्टोरेंट में जाने बहुत मजा आती है, एंड आई लाइक टू गो एंड डाइन इन गुड रेस्टोरेंट्स, एंड आई हैव सर्टेन रेस्टोरेंट्स दैट आई रियली लाइक द फूड ऑफ, सो आई विल गो टुडे. आई लव दैट I could do for myself, कि अभी मैं अपनी कमाई से इतना तो कर सकती हूँ, मैं कितना भी कमाऊँ कितना भी कम कमाऊँ, मुझे ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है कि मैं रेस्टोरेंट्स में जाकर डाइन कर सकूँ. सो आई थिंक स्लोली एंड स्टेडली आई सॉर्ट ऑफ केप्ट बेंच मार्क्स फॉर मी, कि आई नीड टू अंडरस्टैंड, सी द लेवल ऑफ हैप्पीनेस एंड द लेवल ऑफ स्पेंडिंग इज सब्जेक्ट टू एवरी वन. वैन आई शुड चिल इन 11th एंड 12th विद माई फ्रेंड्स, आई शुड टेल देम ऑल्सो कि आई एम सॉरी आई कैन नॉट कम बिकॉज आई डोंट हैव मनी. आई शुड नॉट बी, मैं कभी ऐसा शर्माती नहीं थी बोलने के लिए कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती. सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स यू शुड दैट टाइम गिव मी लाइक तेरे पास सिर्फ हमारे लिए टाइम नहीं है, यू गो विद योर अदर फ्रेंड्स एंड ऑल, माई अदर फ्रेंड्स गो टू मैकडोनल्ड्स, यू ऑल वॉन्ट टू गो टू दिस एक्स वाई जी कैफे. सो
You know, I should tell them also, okay, I can go to McDonald's with y'all, but I cannot go to this cafe. And I should say it up front very this, because mera paisa nahi, mere maa baap ka paisa hai, tabhi unke paas ekdam limited paisa tha. Aur agar mera paisa main khud pe spend kar rahi hu, to theek hai. Unka paisa mere pe spend karne extra extra harkaton pe is not okay. Yeah, you need to keep boundaries, you need to understand what is luxury for you, what are you working towards and what is your limit. Like, mujhe itna to apne pe karna hi hai, fir upar ka dekh lungi. Like, ye mahine agar maine shopping nahi ki to chalega, but मुझे ये रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, ये नए कैफे में चेकआउट करना है, ये डेट नाइट पे जाना है, इसके लिए मुझे पैसा रखना है. सो यू कैन स्लोली एंड स्टेडली लर्न लाइक दैट एंड देन स्टार्ट बजटिंग एंड अंडरस्टैंड कि ओके दिस मच फॉर मी टू स्पेंड ऑन माय सेल्फ इज ओके. लाइक ऑन द मंथ इफ आई स्पेंड वे टू मच ऑन ईटिंग आउट, उसका भी लिमिट है मेरे लिए खुद के लिए. इफ आई हैव स्पेंड लाइक अबव एन एक्स वाई जी, आई एम लाइक ओके डन सारा, नेक्स्ट मंथ यू कैन ओनली गो आउट फॉर डेट नाइट टू टाइम्स. डेट नाइट फॉर मी इज लाइक रेगुलर, इफ आई गो अलोन ऑल्सो टू ईट आउट इज डेट नाइट, नीड नॉट बी विद समबडी एल्स. योर जर्नी विद fibromyalgia, how do you cope with the flare-ups? So people who followed me for a very long time or who catch it in my vlogs know that 12th standard mein mujhe fibromyalgia detect hua tha, which is like a nerve neuromuscular condition. Tabhi bahut, jab jaise hi diagnose hua tha, tabhi meri halat bahut kharab thi. Like I was on 6 months for bed rest, I had taken multiple doctor's appointments, multiple medicines, matlab it was the worst phase of my life so far, I would say. How do I cope with the flare up? Basically there's no like permanent solution for fibromyalgia, but whenever it got worse, the last treatment I took was in third year med school. So I think 3 years pehle I took my last treatment, aur usme they had given me muscle relaxant injections in the back. So I took 15 injections in the back, like MFR injection. So usse muscles ekdam zyada relax ho gaye. Uske baad I did physiotherapy and retrained my full muscle again. So jitne bhi mere bad postures, bad muscle mechanisms aur jitna bhi tha, wo sab fix ho gaya. A doctor I consulted who has helped me majorly, two doctors actually, PP Ashok is a neurologist, he's a very good neurologist, Hinduja ka, and Namita Purohit, I think her name is, she's in Ambani and she's a pain specialist. So wo specially pain specialist शिल्टी में ही करते हैं. तो जितने भी ये पेन डिसऑर्डर्स है, इवन पोस्ट कैंसर पेन जो होता है या पोस्ट हर्पाइटिक पेन जो होता है, जो भी पेन वाले डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें शी स्पेशलाइजेस. तो उन्होंने मेरी बहुत रिकवरी में हेल्प की थी इन द पोस्ट फ्लेयर अप्स. आफ्टर दैट आई हैव बीन माशाल्लाह रियली गुड एंड नेवर रियली हैड अ फुल ब्लोन फ्लेयर अप, बिकॉज देन नाउ आई डू माई जिम रेगुलरली, आई गो टू द जिम, आई ईट प्रॉपरली. इवन दो आई गो आउट एंड ईट सो मच, आई मेक श्योर जो भी मैं घर पर खा रही हूँ वो इट्स लाइक क्लीन फूड. आई टेक अ लॉट ऑफ लिक्विड डाइट, लाइक लॉट्स ऑफ फ्लूइड वाटर, गुड छास, ये सब मतलब ठंडा रखने बॉडी. एंड स्ट्रेस अगर मेरा ओवर टाइम हो गया, ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, जैसे कि आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो, आई कैप आउट, आई एम लाइक बस अब इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा. सो टू बी एबल टू ड्रॉ द लाइन ऑन ऑल दीज थिंग्स इज लाइक मी रिड्यूसिंग द ट्रिगर्स फॉर माई फ्लेयर अप. मेरे ट्रिगर्स यही सब थे, स्ट्रेस, बैड फूड, बैड स्लीपिंग हैबिट, दे आर नॉट गुड फॉर एनी बडी, ऑल्सो कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर मी. एंड वो सब ठीक करने से माई फ्लेयर अप्स हैव रिड्यूस्ड एंड ऑल्सो द ट्रीटमेंट आई टुक फ्रॉम दीज डॉक्टर्स. सो या यू नीड प्रॉपर मेडिकल इंटरवेंशन फॉर फाइब्रोमाइलजिया. एवरीबडीज फाइब्रोमाइलजिया इज डिफरेंट, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं. किसी को भी मतलब तभी मैंने बहुत सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन किए थे, इंटरनेशनल सपोर्ट ग्रुप्स भी ज्वाइन किए थे, ऑनलाइन मिलते हैं. यू कैन जस्ट join these free groups and talk to people. As you talk to people, as you understand ke everybody's symptoms are different, nobody has the same symptoms, so you can't really take my treatment and apply to you, but you have to identify ke aapke triggers kaun se, and then slowly and steadily, you know, repair those triggers in your lifestyle. Want to know if Sakshi went to Singapore on your expenses or herself or YouTube? Lot of people have asked this. YouTube had invited me and my plus one was Sakshi. So jo bhi hamara stay tha aur hamara food tha, everything was taken care of by YouTube in the 4 days. उसके एडिशनली जो हम घूमने के लिए 3 दिन एक्सटेंशन लिए थे, उसमें मैंने अपना खर्चा की और साक्षी ने अपना खर्चा की, अपार्ट फ्रॉम द लास्ट डे जो मरीना बे सैंड्स में था, वो दैट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम मी टू साक्षी. जो प्लस वन था उसका फ्लाइट आई हैड टू डू, सो साक्षीज फ्लाइट वॉज डन बाई मी एंड टू एंड फ्रो जो था, बट मेरा टू एंड फ्रो वॉज डन बाई यूट्यूब. सो दैट्स लाइक अ overall. When do you feel like you want to settle in life and get married or have a partner? Lots of love from Hyderabad. I don't know what the meaning of settle is. अगर आप मेरी लाइफ आज भी उठा के देखो तो मुझे काफी सेटल्ड ही फील होता है, ऐसा अनसेटलिंग वाला फीलिंग नहीं है. बिकॉज यू ओनली फील सेटल्ड वेन यू आर सिक्योर, एंड आई फील प्रेटी सिक्योर इन माई सेल्फ राइट नाउ ऑल्सो. आई एम ओके विथ माई लाइफ, आई लव माई फ्रेंड्स, आई लव माई टीम, आई लव माई फैमिली, आई लव माई हाउस, सब अच्छा मतलब मस्त चल रहा है. ऐसा मुझे कुछ भी इनसिक्योर है, अनसेटलिंग नहीं लग रहा है कि आई नीड टू ब्रिंग अनदर पर्सन, गेट मैरिड टू दैट पर्सन एंड देन
say that okay, I'm settled. In fact, I'm so scared that somebody else will come third person in my life and pura jo settled na wo pura upar niche unsettled ho jayega. So unless and until I find somebody, I will know. For me, there is no age to get married. There was never an age to get married. I was not brought up like that. I don't feel like, okay, if I'm 30, I have to be married. If I'm 40, I have to be married. If I'm not married also, I'm pretty okay with it. Okay, I know shadi content does really well, but I will not get married for that. Bas sare friends shadi kar le, I'll be okay with that. When and where is your next trip? So excited. Even I am really excited. I'm also really fat out. I'm telling you guys, this is going to be an adventure of a lifetime for me. I'm really really scared for this trip. When and where kya hai sab kuch aapko pata chal jayega when I go there. I'm still planning, can you believe it? Like it's literally in 20 odd days that I have to leave, less than 20 days, aur abhi tak meri sari bookings bhi nahi hui hai. I am so prepared for this, cannot even tell you. Are you really happy now at this stage of life where you are? Mashallah, genuinely I am. I'm very happy. I would say happiness is a choice. Like I said, you need to just decide where and what makes you happy. A lot of things in my life make me happy. My dog, my family, my friends, my team, my job, all of this makes me happy. So whenever I'm upset, I actually remind myself ke mere paas ye sab hai and I should be grateful. And it's okay to still be ungrateful. I know a lot of people might look like they have everything, but un log fir bhi dukhi hai, fir bhi sad hai. But that probably is something internally that is bothering them. After this house is settled and everything, there is nothing internally that is bothering me. It is difficult, but it is not sad or it's not provoking unhappiness in me. I'm happy. I'm good. How was your first work trip? P.S. You are so good. Gorgeous. Thank you so much. My first work trip was really hectic. It was madness. Like वो चार दिन के बाद ना मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या हो गया. लाइक इतना हेक्टिक था समिट. लाइक इट वॉज टू एग्जॉस्टिंग फॉर मी पर्सनली. मैं कितना काम कर सकती हूँ यू ऑल्सो नो, एंड मेरी केपेबिलिटी माशाल्लाह से काफ़ी है. बट इट वॉज लाइक फ्रॉम द टाइम यू आर ऑलरेडी ट्रैवलिंग एंड देन फ्रॉम द टाइम यू लैंड यू स्टार्ट वर्क एंड in new environments with new people. You've never met these people and it was a very good experience. It has taught me a lot kyunki aage jaake abhi kabhi bhi aisa hoga to I'll be much more prepared. Jo travel trips ho gaye ya international trips ho gaye, I will have a better experience. Kaafi kuch seekhne mila udhar, matlab itna kuch seekha hai maine as a working professional, but it was also very exhausting but very rewarding in general. Like overall it was amazing. Agar kaam ke hisab se dekho then I loved every experience because the people I got to meet over there were fab. Like all of the creators, all the international creators, all the Indian creators, all the team from YouTube, amazing people. Like YouTube team is fab. Okay, मुझे पहले से पता था कि YouTube team बहुत अच्छी है, but in person I met so many international members also of the team and everybody is a sweetheart. Like हर एक dinner YouTube का was special and had some like core memories I've made in Singapore and it was very good. Congratulations on Impulse completing 1 year. Thank you. When you're all settled in after your work comes in a proper routine, any plans of you getting married again? कितने लोगों को शादी की पंचा. तुम लोगों से लहंगा देखने गए तो मैं खरीद के अभी पहन सकती हूँ. I don't have to get married for शादी. Did Fudge face any problems staying at your mom's place and you being so busy outside all day long? Not really yet. I don't see any behavioral changes in Fudge abhi tak because actually ye ghar mein na kafi bhara bhara hi rehta hai. All the time team members are coming in and out, and Satyam has made a routine for Fudge to go down for walk and take him to mummy's house and all. So usne bhi Fudge ka dhyan bahut acche se rakh raha hai. One thing he's doing very well is take care of Fudge, so I like that. Fudge is in a routine. Like he gets up, he gets breakfast, he goes down for his walk, then he goes to mummy's house in the evening and I also go to mummy's house, and pura din team wale aate rehte, so he's busy with the team members, he plays with them and all, and otherwise he's a chill dog, so he likes people around him. Usko aisa kuch nahi hai ki mujhe yahi log chahiye, usko uske pasand ke log chahiye, and he likes all my team members. For highlighter I'm using the Verified Citrine highlighter. I love this one. It's a very good shade and it's very buildable also. How did you do your internship? I am a medical intern and this year feels longer than any other. Trust me, internship was the toughest because usmein kaam karna padta hai. Like as a student, you can still like bail on certain patients. You can like see less patients because you're still a student. You can give it to your interns and then you become that intern and that's the worst. Meri to puri internship mere YouTube channel pe hi hai because internship ke time pe I was like a full-fledged lifestyle creator hi ban gayi thi main, aur tab tak I was posting regular vlogs and all. So kuch kuch my first day is there and beach mate was there and I should come back home and shoot videos and all. It was the hardest. It is the long
longest year. Also because we get very limited holidays. In internship, you cannot take offs at all. You have a certain number of holidays that you can take. And usse zyada liya, to you have to compensate after the internship is over. So either or, it's like kuwa hai aur khai hai. Kuch bhi in between nahi hai. But somehow you get through it. Time passes and you get through it. Do you think this year was a lot for you? I mean, it can be overwhelming to grow so fast. No nazar. Thank you for this question. And yes, no nazar. But yes, it was very difficult. It was very overwhelming. Like after a point, I was just like, kya ho raha hai? Kyun ho raha hai? You know, you want something and then you're just like, it's great that it's happening for me, but I cannot process it all at once. So like, for example, I'll give you a milestone this also. Like, jab mera bahut growth hone laga YouTube pe, everyone was like, oh, 1 million by the end of the year, 1 million by the end. But maine khud se 1 million by the end of the year rakha nahi tha. Meri bucket list mein 500k tha. Uske hisab se maine apna kaam plan out ki thi. Utna ho gaya, uske baad I was like, theek hai, I'm good for the year. I've achieved my goals and I'm good. I'm happy. I'm very happy. But then others have these unrealistic expectations from you, and now I'm not going to hit 1 million by the end of the year. So you feel guilty somewhere that you've not met others' expectations. But then I had to sit myself down and be like, listen, main khud ke liye kaam kar rahi hu, khud ka ho gaya, mera bucket list is good, agla saal bhi hai, and I have a lot more years ahead of me. I want to be a lambi race ka ghoda. I cannot hit 1 million this year and just sit down, sab band karke baith nahi jana hai na, agle saal bhi kaam karna hai. So it's fine, and it is overwhelming. Very overwhelming, a lot of things, even like Singapore and all. Like I say, you know, it was hectic. Come back, again you get to work, then you shift. Mashallah, so much happened for me. I'm very grateful and I keep telling myself that I have to be grateful, but it is overwhelming, no doubt. There is only so much that one person can deal with. And after a point, I just can't. But I'm glad that in all of this, just my support system, like my team is the reason why I could like stay sane through a lot of the moments and milestones. Like Pooja, Sakshi, all of these people are just hardcore. There, you know, that they know ke theek hai, it's we'll deal with it, we'll manage it, and all of that. And Amit Vijay is like, ha, hum to for granted hai. So of course Amit and Dikshita are also, all of them, like abhi main naam lene lagu to matlab list endless hai, but sabhi logon ki wajah se aisa theek hai wala feeling aata hai ki ho jayega yaar, ho jayega, sab kuch ho jayega, jitna bhi hai sab kuch sahi se time pe ho jayega. Which is why I say that the people around you, I'm a very people person. I need good energy around me, and my energy, my positivity and however I am is dictated by the people around me. If you put a negative, very irritating person around me who's all the time like, arre nahi ho raha hai, arre ye nahi hoga, arre, I'm like, bhai tu mere se nahi hoga, tu nikal. Like I need people who have that attitude ki ha karke dikhayenge, like you know aisa wala, wo Bob the Builder wala. To meri puri team aisi hai, karke dikhayenge wala. To wo energy even I can thrive. Like I'm like, okay, we can do it, we can all do it together. It's not going to be easy, but we will handle it. Why aren't you trying for Shark Tank India? I mean, I'm not a reality TV show person. Can I just say that? Wo kuch bhi ho jaye, Shark Tank ho, matlab agar mujhe raise karna hai paisa, I will go for the normal raising route through agencies or whatever the system is. But I will not go on a reality show, present my metrics and be like, lao paisa do. I love watching it, it's entertaining max, no doubt. You started your dream brand of coffee. Now, what more do you dream of having? Nothing, bro. Nothing. I'm good. Thanks. All my dreams. I'm very good. Thank you very much. Would you like to have another dog or maybe a pet? I've been following you since your 1 lakh love from Bangladesh. Thank you so much. No, I wouldn't want to have another pet because Fudge also does not like other dogs. So I would not want to disrupt his peace of mind and make it hard on him. Usko koi bhi dusra janwar nahi pasand. Usko billi, kutte, tota bhi tha hum log ke paas. Usko bhi usne bhaga diya. Usko nahi pasand hai bilkul bhi. Usko sab attention khud ke liye chahiye. He's a very, wo ek bachcha hota hai na, usko sab pyar laad karte hai. Wo hamare ghar ka wohi bachcha hai. Rent of your new house. Yes, I realized I did not declare. So the rent of this house, I will not give exact figure, is roughly around 60,000. 20,000 more than my last house. But also to realize ki abhi COVID khatam ho gaya hai aur Mumbai mein rents bahut badh gaya hai because sare commercials, offices, sab kuch wapas khul gaya hai. So now in general only jitne bhi main rents dekh rahi thi sab kuch 85,000, 1 lakh, 1.5 lakh aise rents the ekdam fancy houses ke. Ye thoda purani building mein mil gaya isiliye it's like lesser, but it's still quite steep as opposed to my last rent. How to control yourself when you have heartbreaks, trust break, all leaving, friends growing away, going away, all of that. You cry, bro, you just cry your feelings out. And then you move on. You cry a river, build a bridge and move on. I had studied this somewhere and it actually applies really well because
क्या कर सकते हैं? यू कैन नॉट कंट्रोल पीपल ब्रेकिंग योर हार्ट, यू कैन नॉट कंट्रोल पीपल ब्रेकिंग योर ट्रस्ट, एंड ऑल्सो लाइक यू नो स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल, लाइक जस्ट बिकॉज वन पर्सन ब्रोक माई ट्रस्ट मैं सारे लोगों पे, इंसानियत पे गिव अप कर दूंगी, ऐसा नहीं होता है, ऐसी लाइफ नहीं जी जाती है. सो यू जस्ट रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ, क्राई ओवर इट, एंड देन यू मूव ऑन विद द अदर पीपल इन योर लाइफ, और मेक न्यू फ्रेंड्स, मेक न्यू कनेक्शंस, मेक न्यू वॉट एवर इट इज. And those people can be anybody. They can be your family, they can be your friends, they can be your people you work with. I'm just taking this dark brown shade and making like an eyeliner of sorts. I like this smoked out look, very soft, smoked out, not too harsh. I'm thinking I should do glitter. How many of y'all have invites to weddings? Dude, मेरे पास एक भी शादी का invite नहीं है. Nobody wants to have me at their wedding, even though I have clothes also to wear. They're just scared I'll dress up better than them. Vidya has asked me, are you planning to expand the coffee line to include pods of fresh grounds in addition to instant? So not really, because impulse ka mera full motto tha, instant everything, okay? Experience the hustle, hamara tagline hai, to fast everything that can be done fast, but in good taste, like taste compromise nahi karke. That's why we did instant hot chocolate, and har ek cheez jo hum karenge will be like fast. That's what you can expect from impulse, so that you don't have to, it's on the go, it's convenient, and we'll try to give you the best quality jo hum इंस्टेंट में दे सकते हैं. डेटिंग समवन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. लॉट ऑफ रिलेशनशिप क्वेश्चंस. एब्सोल्युटली ये सब पागलपन में यू थिंक आई हैव टाइम टू गो एंड गेट अ बॉयफ्रेंड और गेट समबडी. नो, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग गोइंग ऑन इन दैट एरिया ऑफ माय लाइफ. एज सैड एज इट इज, दैट इज समथिंग आई डोंट हैव टाइम फॉर. दिस इज स्विस ब्यूटीज लिक्विड आई शैडो इन आई थिंक सम ग्लिटर सिल्वर शेड. आई एम जस्ट गोना प्लेस इट ऑन द टॉप ऑफ माई लिड एंड देन डिफ्यूज इट आउट, बिकॉज मुझे ज़्यादा भी ग्लिटर नहीं चाहिए. वेरी प्रिटी ग्लिटर और बहुत ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है. आई थिंक आई एम गोना टेक सम एट द बैक ऑफ माई हैंड एंड डू दिस विद अ आई शैडो ब्रश. I love how this looks. It's very like diffused, chunky, like बहुत chunky ला भी नहीं है. But I think I'm going to build up थोड़ा सा on this side. Very universal look, हाँ guys. अगर आपको ये look कोई भी outfit पहना है आप पहन सकते हो. Even western gown वगैरह पे पहन सकते हो. ये सिर्फ Indian नहीं, अभी मैंने शादी Indian के हिसाब से बनाया है. Paranormal activity experience in SSS 2.0. Absolutely none. There's no भूत over here so far. But yeah, a lot of you all asked me कि भूत का क्या किस्सा था और क्या paranormal activity last घर में हुई थी, जो मैंने पहले नहीं बताई थी, because when you are staying there you don't want to mess with the bhoot, but now I can. So basically what had happened is that just then, okay, I generally do believe in paranormal stuff. और मुझे ऐसा लगता है कि होते हैं, मतलब you know, if you believe in God, if you believe in good, there is bad also. But also, सब भूत बुरे नहीं होते. Like, I did not feel like that paranormal activity was negative in any way, because that house made me feel very cozy and comfortable and welcoming. Like, जब भी मेरे साथ कुछ भी बुरा होता था ना, I would be attracted to my house and want to run back to my house. Like जब लद्दाख में भी कुछ हुआ या ऐसा लगता था, जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ मेरे साथ कुछ बुरा होता है, जैसे मैं घर में आती हूँ आई फील वेरी लाइक टेकन केयर ऑफ. सो दैट वॉज द फीलिंग. बट वेर इट ऑल स्टार्टेड वॉज सो द फर्स्ट नाइट बेसिकली आई मूव्ड इन, आई हैड अ स्लीप ओवर विद पूर्णिमा, बिकॉज मैं पहली बार ऐसा पूरे घर में अकेले सोने वाली थी. तो शी केम ओवर जस्ट टू बी विद मी. सो दैट नाइट ना फज, ओके, फज इज somebody who's very smart, he's a very smart dog and he understands and senses really well. तो उसको हम लोग ने पहले भी वो घर में लेके जाके we've made him use the bathroom and we've trained him to go to the bathroom to mix a soup and उधर paper डालते हैं and he's used to it. और क्योंकि वो घर मेरी मॉम डैड के घर के ऊपर ही था, तो जब वो घर बन भी रहा था एंड वी वर डूइंग पेंटिंग एंड ऑल ऑफ दैट, वी यूज टू गेट हिम यूज टू गोइंग टू द बाथरूम ऑल द टाइम एंड ही वॉज वेरी यूज टू द स्पेस. बट द फर्स्ट नाइट वी स्लेप्ट ओवर देम, उस रात को द लाइट वॉज off of the bathroom and Fudge goes in the bathroom and he goes in the area jo paper hai and he starts barking. Like he looks at literally like the shower area and he starts barking and I'm like ye band nahi hua hai, he's not been locked in the bathroom, so what's up, you know, kyun bhok raha hai wo. So I go inside and I check and
कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, पेपर भी है, सब कुछ है. आई एम लाइक, गो फज मेक सुसू, गो फज मेक सुसू. नो मतलब नो. सो व्हाट ही इज डूइंग इज बेसिकली इन द शावर एरिया ही इज लाइक स्निफिंग ऐसा ऊपर नीचे, एंड ही वुड टेक टू स्टेप्स बैक एंड स्टार्ट बार्किंग. जैसे कि कोई खड़ा है, जैसे वो कभी नया इंसान आता है, आपने कभी व्लॉग में देखा होगा, इफ अ न्यू पर्सन कम्स ही स्निफ्स एट द फीट एंड देन ही लुक अप एंड देन ही क्लाइंब ऑन दैट पर्सन इफ ही लाइक्स द पर्सन. बट यहाँ पे वो ऐसा स्निफ कर रहा था एंड ही वुड टेक टू स्निप्स बैक. एंड यू नो डॉग्स हैव अ सिक्स सेंस. ओके, डॉग्स कैन रियली, एंड आई हैव हर्ड सो मेनी रियल स्टोरीज ऑफ डॉग्स सीइंग पैरानॉर्मल एक्टिविटी एंड सेंसिंग इट एंड सीइंग गोस्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट. एंड बहुत मैंने बहुत किस्से सुने. तो आई वॉज लाइक पूर्णिमा, आई वॉज जस्ट लाइक क्या हो रहा है मतलब. फिर मैं उसके साथ फज के साथ बाथरूम में गई, आई लॉक द बाथरूम, आई यूज द बाथरूम एंड आई लाइक आई टुक फज इन साइड. आई वॉज लाइक ठीक है, मैं यूज़ कर रही हूँ बाथरूम तो वो भी यूज़ करेगा. नहीं, वो आके मेरे पास बैठ गया बाथरूम में, मेरे पैर के पास बैठ गया. ही डिडंट गो एंड मेक सुसू ओवर देयर नियर द पेपर जहाँ वो शावर एरिया में रखते थे. वो नहीं किया, मतलब नहीं किया. ही जस्ट केप्ट लाइक स्निफिंग अप, बार्किंग अप एंड देन टेकिंग टू स्टेप्स बैक, जैसे कि वो डर रहा है वो इंसान से जो भी वो खड़ा है, जैसे शावर के अंडर कोई खड़ा था. एंड देन वी वर जस्ट लाइक लॉक द डोर, हनुमान चालीसा पढ़ के सो जाते. तो पूर्णिमा वाज जस्ट लाइक दरवाजा बंद करते, सो जा, कुछ भी नहीं है. सो वी डिड दैट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग दिस गाय हैज गॉन टू द बाथरूम. इन द मॉर्निंग इज फाइन, मॉर्निंग ही गोज टू द बाथरूम, ही डजंट बार्क, nothing, he'll just enter and he goes uses the bathroom as if nothing happened and it was fine. So I was like theek hai, kal raat ko maybe he was just scared, pehli raat hum log so rahe isliye. Again the next night, the night only at night, same behavior again. I was like raat ko kya ho raha hai matlab, abhi ye raat ko to main akeli thi, Purnima bhi nahi thi. So I messaged Purnima and I was like bro, so she was just like darwaza band kar bathroom ka and so ja. Then after couple of days when it kept happening, like 3-4 days later, he used to then use the other bathroom. Raat ke time pe I put paper in the dusra wala bathroom and started making him go to that bathroom in the night. And then after 3-4 days, I did like dua in the house and I prayed to Mother Mary and I was like, Mother Mary, protect me. Whatever it is, like, you know, you declare that the house is yours. So I sort of told the ghost that, hi, I'm Sarah. I am now living here. I'm new to this house. So be nice to me. Aisa literally maine baat kiya aisa hawa mein. And I genuinely felt like they listened, because after that day, Fudge just stopped looking in the bathroom and barking. As crazy as it sounds, this is exactly what happened. It was so real, and that's why I did not want to talk about it while I stayed in that house. But it was a good paranormal. जो भी था ना, ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ हार्म किया उसने या मेरे साथ कुछ बुरा हुआ वो घर में. आज तक माशाल्लाह से मेरे को एक खरोच भी नहीं आई वो घर में, कुछ भी, लाइक नथिंग रॉन्ग हैपन टू मी फिजिकली और मेंटली और इमोशनली. आई जेन्युइनली फील लाइक दैट वॉज अ गुड पैर, लाइक हुएवर इट वॉज, वट एवर स्पिरिट इट वॉज, इट विश्ड वेल फॉर मी. एंड ऐसा होता है, लाइक यू हैव गुड एनकाउंटर्स एंड बैड ऑल्सो, बट दैट वॉज डेफिनेटली अ गुड वन. टाइट लाइन विद द एस्टी लॉडर काजल, वाटर लाइन आउटर साइड एंड टाइट लाइन फुल. हाउ डिड यू डील विद पीपल कमेंटिंग ऑन योर स्किन टोन? आई फेस द सेम एंड इट अफेक्ट्स मी. ऐसे में जो बहुत क्वेश्चन आए कि हाउ डू यू डील विद बॉडी एक्ने, फेस एक्ने, स्किन टोन, बॉडी शेम, ये सब. बट आफ्टर अ पॉइंट यू जस्ट स्टॉप केयरिंग गाइस. कब तक मतलब यू ऑल विल कीप थिंकिंग अबाउट लोग क्या कहेंगे, उन लोग वो लोगों के लिए थोड़ी जिंदगी जीनी है. तो आफ्टर अ पॉइंट यू हैव टू स्टॉप गिविंग एनी अटेंशन और एनी importance to these people. Like you all tell me ke haters pe dhyan mat do, they don't know about your life, all of that same applies to you all also. Okay, agar you will think about what people are saying, then puri zindagi tum wohi sochte rahoge ki log kya kahenge, aur us chakkar mein to kabhi apni life jee nahi paoge. Aise hi karte karte budde ho jaoge, finish, khatam, life over, ek hi life milti hai. I believe that also, you get only one life. Very very good question. Do you feel content with what you are doing right now, or you wish to go abroad just like your friends? The amount of times I question myself this is unnatural, but I feel content. These are very two different answers. In myself, in my life, I feel content. But do I look at my friends going abroad and wish I also could go abroad like that? Also, yes. Sometimes I also feel like maybe I also was supposed to go abroad. Maybe that was the future for me. Maybe that is where I had to be. So, kabhi-kabhi even I feel like, you know, sabse pehle to main jaane wali thi. Hum log ka hierarchy mein, meri graduation padhai kab ka ho gayi hoti. Ab tak to mera master's bhi ho gaya hota if COVID wouldn't have happened and life wouldn't have changed for me. But then I feel like there's still a lot of time for me. It's not like I would have gone abroad and been successful, you know. You never know what is meant for you. And so because I'm content over here, I would say till I'm happy here, till I'm successful here, till I'm able to make something for my career here in India, I'll continue to do so. But this day I feel like, okay, it's not working for me anymore. Ab nahi ho raha hai, ab idhar kuch bhi meri dal nahi gal rahi hai basically.
देन आई विल पैक माई बोरिया बिस्तर एंड गो एंड आई विल सी वेर आई कैन गो अब्रॉड. सो मे बी सम डे, बट दे आर टू डिफरेंट क्वेश्चन. आई डू विश आई कुड गो, बट आई एम ऑल्सो वेरी कंटेंट ओवर योर. हाउ डिड योर इम्पल्स कॉफी फर्स्ट एनिवर्सरी गो? इट वेंट रियली वेल. द पार्टी वॉज सो होलसम एंड नाइस, वेरी नाइस. आई लव द फैक्ट दैट एवरीबडी हु वॉज इन्वाइटेड केम एंड आई कुड सेलिब्रेट विद एवरी वन एंड ओवर ऑल इट वॉज अ ब्यूटिफुल नाइट. अ लॉट ऑफ पीपल थॉट लाइक इट वॉज अ कोलैबोरेशन. इट वॉज नॉट. आई पेड फॉर दैट शिट. ओके, आई पेड फॉर द फूड एंड ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग एंड इट वॉज अमेजिंग फूड. Which camera do you use for YouTube? So for my vlogs, I use the Canon M50 Mark II. For my beauty videos, also sometimes I use that camera, but with 50mm ka lens. And ye jo camera pe ye video record raha hai, wo Amit ka camera hai. That is Sony A7 III. बट वो लेंस चेंज करते रहता है एज पर द रिक्वायरमेंट. आई एम गोइंग टू लिपस्टिक जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वेयर इज माई लुक हेडेड. माई मस्कारा एंड ऑल इज लेफ्ट. ओरा डोरो ब्यूटीज वीनो लिपस्टिक, इट्स अ न्यू वन, अभी मुझे PR में आई है. आई वॉन्ट टू ट्राई इट. ब्यूटिफुल कलर, दिख बहुत सुंदर है. वाओ, आई लव द कलर. वाइन शेड एंड ट्रू लाइक जैसी बुलेट में उससे काफी डार्क है एक्चुअली. मुझे लगा थोड़ी पिंकी होगी. I think I'm going to neutralize it, but pehle I'll do mascara. Why are you so much obsessed with high-end brands? To be very honest, I'm not obsessed with high-end brands. If I was, then अभी तक चाहिए होता तो मैं अपना लुई विटन, डियोर, प्राडा सब खरीद के वो ही यूज़ कर रही होती. If I wanted, I'm not obsessed with it. But after a point, I'm just like, I can buy it if I want. So agar mujhe kuch acha laga, then I'll buy it and I'll mention it, which is also one of the reasons somebody asked me ki have YouTubers reduced making haul videos and lifestyle YouTubers ka content bahut badal gaya, haul videos itne nahi aate, bhi vlogs hi aate. It's because when we share haul and what we buy, it's very difficult for the audience to relate because not everybody can afford high-end brands, which I understand. And then फिर सिर्फ hate आता है तो हमको भी खरीदने की खुशी नहीं मिलती है because people cannot relate or be happy about it. And the other person cannot buy it also. तो reference भी नहीं मिलता है, relatability factor भी मर जाता है और हमारी खुशी भी मर जाती है. तो इसलिए haul videos बनाना बहुत कम कर दिया, मैंने भी कम कर दिया. अभी मैं कुछ कितनी सारी चीज़ें खरीदती हूँ और वो बस मेरे कबर्ड में है. कभी vlog में मैंने दिखा दिया, कोई video में पहन लिया, या get ready with me shorts में आई mention whichever brand I'm wearing. And in get ready with me videos, a lot of y'all are like, oh, brand की दुकान, brand का सब नाम ले रही है. I take names so that if y'all want to buy, you all get reference. Why else would I take names? मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है. अगर if I get that same dupe in Hill Road भी मैं खुशी खुशी खरीद लूँगी. अगर मुझे कोई branded भी देगा तो मैं खुशी खुशी ले लूँगी. It's at this point for me, it's just कि I'm okay with anything. If I feel like ये मुझे बहुत अच्छा लग गया, then I'll get like the Michael Kors bag. मैंने कितनी जगहों पे देखा था और चाहिए होता तो मैं इंडिया से भी ले सकती थी, मैं यूरोप में भी ले लेती थी, मैं कहीं से भी ले लेती थी जब मुझे अच्छा लगा था. बट आई जस्ट वेटेड टू गेट द बेस्ट डील ऑन इट एंड इन सिंगापुर में मुझे बहुत अच्छी डील मिली तो मैंने ले ली उस पर. लिटरली वॉट इट इज़ फॉर मी, आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विद इट. इट्स बिकम अ नाउ इफ आई लाइक इट आई वॉन्ट इट आई गॉट इट वाला वो आरियाना ग्रांडे का गाना है, वैसी हिसाब हो गया. I'm using the Essence Lash Princess Mascara. You guys, this is the best mascara ever. It's not waterproof. You get a waterproof version, but it's so good. Like, look at the difference. This and Maybelline Sky High is the mascara of the year for me. And Max Tack Mascara. Oh, khatam ho gaya hai mera. For my lower lashes, I'm using the Maybelline Sky High Mascara. Okay, I'm gonna quickly spritz a little bit of the Faces Canada mist and that'll just lock my makeup in place. I think I'm going to do falsies and also neutralize my lipstick thodu sa. आप कभी पाकिस्तान नहीं आओगी, आपको पता नहीं होगा, बट यू हैव सच अ गुड फैन बेस इन पाकिस्तान. मुझे पता है, आई लव ऑल ऑफ माई पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स बिकॉज मुझे एनालिटिक्स दिखते हैं यूट्यूब पे कि इंडिया के बाद माई नेक्स्ट फॉलोइंग इज पाकिस्तान. अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स ऑल्सो से दैट यू नो मच लव फ्रॉम पाकिस्तान. एंड वेन आई मेट मोमिना एंड शावीर ऑन यूट्यूब समिट, तभी मैंने उन लोगों को बोला भी था कि आई हैव अ वेरी बिग ऑडियंस फ्रॉम पाकिस्तान, आई वुड लव टू कम. बट उसका वीज़ा का जैसे सिस्टम एंड अ प्रोसेस, आई कॉन्ट इवन सेंड शावीर माई कॉफीज फ्रॉम इंडिया टू Pakistan like directly. You can't just send courier like this straight away. There's a lot of formalities with visa and all this politics, logistics that you have to deal with. But I wish that it was that easy ke flight pakdo aur nikal lo. So I would definitely, you know, I love traveling, so someday when I can, I will visit. Okay, I'm taking the Pack Cosmetics Timeless Matte Liquid Lipstick in Nutty Doodle and it's a nice nude color, so it will neutralize this wine shade quite a lot. I'm just going to put it in the center.
check my fingers. What's new with SAS Enterprises Private Limited? Any surprises? Nothing so far. मुझे private limited बना के रखनी थी ताकि काफी formalities is different for proprietors and private limited when it comes to taxes and all. Just in general, having a private limited company secures Impulse Coffee का future a lot. And I'm like first year में, in the first 6 months also I would say के I was just like you know experimenting with Impulse. I was sure I was going to do it, but I was like पता नहीं कहाँ जाएगा, बहुत risky है ना. Like I am passionate about it, but लोगों को अच्छा नहीं लगा, लोगों को पसंद नहीं आया, खरीदे नहीं, बिजनेस ठप हो गया तो क्या. तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वेंट फॉर प्रोप्राइटरशिप. इट वाज अ सेफ ऑप्शन, बट वंस आई वाज मोर श्योर ऑफ इट एंड मोर कॉन्फिडेंट कि ठीक है व्हाट आई एम डूइंग मेक्स सेंस, तभी आई वाज लाइक ठीक है प्राइवेट लिमिटेड बना लेते हैं एंड फिर आगे देखेंगे. देन आई हैव अ लॉन्ग लाइफ एंड वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू विद द कंपनी आई कैन. There's no surprise so far. I'm just working towards Impulse Coffees as one brand under SAS. Just one thing I would like to say, when YouTubers become rich and famous, they change. You are pure till now. Please be the same. Don't ever change. You're perfect. Trust me. Look, this is a compliment, so I would thank you. But also, I don't think it's wrong to change in general also. Change is a part of life. Sab log ko aage badhna hai, grow hona hai. And you have to change certain things about yourself. You might have toxic things that you might want to change. You might want to grow for the better, for yourself, for your family. Alag reasons ki wajah se, I'm very grateful that you still find me the same. I get a lot of comments that people don't find me the same also. So, sabka perspective alag hoga. But I genuinely feel like sabko with time evolve hone ki zarurat hai. It's good to change. It's not a bad thing. I don't know why people see change as a wrong thing. Change is a part of life. You have to change with time. Did you become used to the new SSS? I think, yeah, by now I can say that I'm used to it. Nothing but to say, stay blessed and work hard till the end. God is there with you always. Thank you so much. Love you. Just going to add lashes to my look because thode khali khali lag rahe. Mere favorite lashes for this year have been Henna Henna Beauty. And trust me, if you want good lashes for any wedding season, you have to go to them. I have so many, but I think today I'm going to use Shizza. I could be wrong with the names because currently मैंने सारे lashes अलग अलग डब्बे में डाल के रखे हैं. So just go on their website और जो भी आपको अच्छे लगे, you can get those. गाइज मैंने थोड़े फॉल्सीज लगा लिए हैं, वेरी ड्रामेटिक एंड मेड दिस ग्लैमरस लुक ऑल कंप्लीट. सारे ही प्रोडक्ट जो मैंने यूज किया, आई नो आई डिड नॉट स्पीक इट आउट इन द वीडियो, बट वो व्यू प्रोडक्ट्स की सेक्शन में आई विल टैग ऑल द प्रोडक्ट्स फॉर यू ऑल, एनीथिंग दैट यू वांट रेफरेंस फॉर, सो यू विल बी एबल टू शॉप. इफ यू वांट टू मेक योर मेकअप किट फॉर द वेडिंग सीजन, शादी सीजन, बर्थडे सीजन, जो भी सीजन के लिए खरीदना है. एंड आई ऑल्सो लव्ड चैटिंग विद यू ऑल आफ्टर सो लॉन्ग. देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस, मैडनेस, कितने सारे क्वेश्चंस आए थे, बट आई ट्राई टू कवर एज मच एज आई कुड and give you all like a summary and life update of the last few months of my life. Karte rahenge aise Q&As, I love, very wholesome to just sit down, do my makeup, old school YouTube and chat with you all. Aise lambe videos abhi zyada views nahi aate hain, but mujhe karne bahut maza aati hai aur hamesha maza aayegi. If you like this video, don't forget a big thumbs up so that I'm motivated to do more of this for you all, just chat with you all. And for today's video, Sara's score shout out goes to Tamanna Sheikh. Thank you so much, Tamanna. Today is also my best friend Tamanna's birthday, and you have named every one of my Vlogmas episodes. I read your comments every day and it's my favorite comment of the day because usne sare mere Vlogmas videos ka naam aur title de rakha tha. Bade maza aaya mujhe aapke comments padhne mein. So thank you so much. If you want to be a part of next video Sara's score shout out, you know what to do. Hit that subscribe button, bell icon right next to it, and also leave a comment down below saying hashtag Sara's squad, and so be part of my next video Sara's score shout out. I'll see you guys very soon in another video. Bye guys, love you. Mwah. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories.